नमस्ते फ्रेंड्स, हम सभी के घर में प्लास्टिक की बोतल तो बहुत सारी आती रहती हैं और हम उन्हें यूं ही फेंक देते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में इन्हीं प्लास्टिक की बोतल का रीयूज़ लेके आई हूं, जिसको यूज़ करके मैंने ये प्लांटर बनाया है। और सच में जब बनने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि वही वेस्ट प्लास्टिक का ये बोतल है। तो सबसे पहला DIY बनाने के लिए हम इस तरह से 1 लीटर के प्लास्टिक के बॉटल को लेंगे और इसे बीच में नाइफ या सीजर की हेल्प से हम कट कर लेंगे। और इसके ऊपरी किनारे में भी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है उसको भी कैंची से कट करके हम बराबर कर लेंगे। अब इसके बैक पार्ट में इसके ऊपरी पार्ट से एक निशान लगा लेंगे उसके साइज का और इसे कट कर देंगे। पहले मैंने इस नाइफ से कट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कटा, तो फिर बड़े वाले नाइफ को गर्म करके मैंने इसे कट किया। अब इसे पीछे में फिक्स करके इसके कैप को लगा देंगे। एक बोल में हम वॉल पुट्टी और ग्लू और थोड़े से पानी को मिला करके हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे। खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चूंकि ये बहुत ही लो क्वालिटी का प्लास्टिक है तो ये स्टैंड अच्छे से नहीं हो सकेगा, इसलिए वॉल पुट्टी लगा करके इसे थोड़ा हम हैवी बना लेंगे। ये जब एक कोट सूख जाए तो इसमें दूसरी लेयर भी मैंने लगाई है, जिससे ये काफ़ी मजबूत हो गया और अच्छे से स्टैंड हो रहा है। अब थोड़ा बहुत कहीं पर अनइवन सरफेस है तो सैंड पेपर की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से रगड़ करके उसे बराबर सा चिकना बना लेंगे। अब इसमें हम अपने मनपसंद कलर से इसको कलर कर लेंगे। मैंने ऑरेंज कलर से इसको कलर किया है। वॉल पुट्टी के कारण कलर बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी सूख जाता है और अभी गर्मी का मौसम भी है इसलिए वो कलर बहुत जल्दी सूख गया। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आज मैंने स्टेंसिल का यूज़ किया है इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए। मार्केट में बहुत डिज़ाइन के स्टेंसिल मिलते हैं, उन्हीं से मैंने ऑनलाइन मंगाया है और इसे मास्किंग टेप की हेल्प से खूब अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने एक स्पॉन्ज में एक्रेलिक वाइट एक्रेलिक कलर लेकर के इस तरह से प्रेस करते हुए सब तरफ से मैंने वाइट कलर को लगा दिया है। बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लेके हम इस तरह से टैप करके इसे हम कलर लगा देंगे और मास्किंग टेप हटा के हल्के हाथ से इसे हम निकाल लेंगे इस स्टेंसिल को। दूसरे साइड भी इस स्टेंसिल से हम कलर कर लेंगे। जहाँ कहीं पर में भी हल्का रह गया या फिर थोड़ा ओवरलैप हो गया तो हम ब्रश और कलर की हेल्प से उसे ठीक कर लेंगे। और हर यूज़ के बाद स्टेंसिल को अच्छे से वॉश करके ही रखिएगा। जब कलर का सारा काम हो जाए तो वार्निश इसके ऊपर एक बार लगा दीजिएगा, जिससे ये कलर परमानेंट हो जाए। फिर ईयर बड की हेल्प से मैंने इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स नीचे में लगा दिए और उसी बड की हेल्प से छोटे छोटे से फ्लावर को मैंने डॉट्स के रूप में बना दिया है, जिससे कि वो भरा भरा हुआ सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए हमारा ये प्लास्टिक का बॉटल कितना खूबसूरत सा एक प्लांटर में बदल गया। दूसरे DIY बनाने के लिए मैंने ये 2 लीटर का बॉटल को लिया है और इसके भी हम बीच में से नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट लगा लेंगे। जितने बड़े साइज का हमको प्लांटर बनाना है उतनी ऊंचाई रखेंगे और इसके भी पीछे होल करके हम उसे स्टैंड के रूप में उसके ऊपरी पार्ट को लगा करके कैप लगा देंगे। चूंकि ये थिक क्वालिटी का प्लास्टिक का ये बॉटल है इसलिए इसमें वॉल पुट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से ही वो स्टैंड हो गया। अब इस तरह से हम क्ले को लेके मिक्स कर लेंगे और इसे हम लंबी सी डोरी बना लेंगे।
और जितने भी लाइन लाइन सी है उन सभी में हम डोरी को खूब अच्छे से चिपका लेंगे सब तरफ, और इसमें ही इसी डोरी की हेल्प से डिज़ाइन को भी बना लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से मैंने क्ले की हेल्प से इसमें डिज़ाइन को बना लिया है और इसे अच्छी तरह सूखने के लिए छोड़ देंगे। यह अच्छी तरह सूख गया तो मैंने इसके ऊपर वाइट कलर कर दिया क्योंकि मुझे वाइट बनाना है। मेरे पास स्प्रे पेंट था इसलिए मैंने स्प्रे पेंट किया। आपके पास अगर एक्रेलिक कलर है तो ब्रश की हेल्प से भी इसे अच्छे से पेंट कर लीजिए। यह भी पेंट अच्छे से सूख गया तो अब हम सभी सेगमेंट में अलग अलग कलर को करेंगे। मैंने इसे प्लांटर को थोड़ा सा लाइट कलर में पेस्टल शेड में बनाया तो मैंने व्हाइट कलर में ही थोड़ा सा कलर को मिला करके लाइट कलर करके सभी कलर को यूज़ किया है। जैसे ग्रीन में थोड़ा सा मैंने व्हाइट मिलाया, थोड़ा सा येलो लेमन येलो में भी व्हाइट मिलाया और व्हाइट में थोड़ा सा रेड मिला करके पिंक कलर को बनाया है। और जहाँ कहीं भी ऊपर नीचे ये थोड़ा लाइन पर कलर अगर चढ़ गया है तो उसे हम फिर से पेंट करके ठीक कर लेंगे। पेंट करने का काम हो गया तो वार्निश इसके ऊपर हम लगा देंगे। मेरे पास स्प्रे वाला वार्निश था, मैंने स्प्रे वाला किया है। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप ब्रश की हेल्प से लगा लीजिए। यह जब अच्छे से सूख जाए तो हम मिरर चिपकाने का काम करेंगे। तो मैंने ऊपरी पार्ट में थोड़ा ड्रॉप शेप के मिरर को यूज करके लीफ का रूप दिया है और हर एक सेगमेंट में मैंने अलग अलग डिजाइन के मिरर को यूज किया है। जैसे स्क्वायर शेप में मैंने यहां पे लगाया फिर बर्फी के शेप में नीचे के पार्ट में और बीच में गोल मिरर को मैंने लगाया है। इस तरह से हम इस पूरे में हम मिरर बराबर बराबर दूरी पर लगा देंगे। ऊपर जो ट्रायंगल का शेप है उसमें ट्रायंगल मिरर को चिपका देंगे। नीचे के पार्ट में भी मैंने इस तरह से स्क्वायर से मिरर को चिपका दिया है। और ये देखिए हमारा ये भी प्लास्टिक के बॉटल का ये प्लांटर इतना खूबसूरत सा बन गया है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों प्लास्टिक के बॉटल से प्लांटर बनकर तैयार है और प्लास्टिक के बॉटल का भी बहुत ही अच्छा यूज हो गया है। आप इसे ज़रूर बनाइए।